सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सादिक है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए जो गाड़ी लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं किया की सोनेट HTX IMT वेरिएंट पेट्रोल इंजन। तो आप देख सकते हैं आपके सामने चमचमाती हुई गाड़ी जो खड़ी है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये इम्पीरियल ब्लू कलर में है। तो आज इसके बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और इसमें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में जानेंगे, क्या ऑन रोड प्राइस आता है, क्या एक शोरूम आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि उन्हें हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार आप इसका छोटा सा सिनेमैटिक शॉट इन्जॉय कीजिए, हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप इसके प्राइस को जान लें। इसका जो एक शोरूम आता है वो आता है 11,45,000 रुपये और इसको ऑन रोड जो कॉस्टिंग आता है वो आता है 13,24,000 रुपये। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 13,25,000 रुपये आ ही जाता है इसका ऑन रोड प्राइस, जो कि आपको पटना में मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप इसके की फोब को देख लीजिए। आप इस कुछ इस तरह से आपको की फोब मिल जाता है यहाँ पे, जिस पे कि लॉक अनलॉक का बटन और यहाँ पे होल्ड करके गाड़ी को स्टार्ट करने का बटन और यहाँ से बूट ओपनिंग का बटन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको ब्रॉड विंडशील्ड मिल जाता है, उसी के जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्रीजेज वगैरह हुड पे मिल जाती है, जो कि एयर कटिंग में हेल्प करती है गाड़ी की। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नेक्स्ट जनरेशन लोगो मिल जाता है किया का, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है गाड़ी को। और उसके बाद आप इसका एक बार ग्रिल चेक करें तो आप ग्रिल जो देख रहे हैं वो ब्लैक पियानो फिनिश में मिलता है। ये ग्रिल आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और इसके मतलब गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर बना रही होती है। और उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डायमंड नर्लिंग पैटर्न मिल जाता है, जो कि क्रोम फिनिश मिलता है, जो कि इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगाता है। उसके बाद अगर इसके लाइट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी में आपको यहाँ पे लाइट मिलता है। ये इसका 3 चैम्बर का इसका लाइट आता है एलईडी में। और यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको DRLs मिल जाता है, क्योंकि वाइट DRLs है। और यहीं पे आपको टर्निंग इंडिकेटर इंटीग्रेटेड आता है इसमें। तो अब इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिल जाता है, जो कि हैलोजन बेस्ड होता है। इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और इससे आप ऑफ रोडिंग आराम से कर सकते हैं, आप कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्किड प्लेट को, जो कि आपको सिल्वर फिनिश एंड ब्लैक फिनिश मिलता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही होती है गाड़ी को। इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर बात करें इसके विड्थ की तो यहाँ पे जो आपको विड्थ मिलता है वो 1790 mm का आपको विड्थ देखने के लिए मिलता है, जो कि इन कंपैरिजन टू वेन्यू आपको सेम ही मिलेगा देखने के लिए। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 205 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि NFA ऑफ रोडिंग करने के लिए आप एकदम आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। माउंटेन एरियाज़ हो, हिल एरियाज़ हो, जो भी हो आप ट्रैवल करना चाहते हो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो इंजन के बारे में बात करेंगे तो पहले इसके साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो साइड प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील आर्च क्लाइडिंग मिल जाती है आपको देखने के लिए, जो कि मड फ्लैप इंटीग्रेटेड नहीं आता है। यहाँ पे आपको एसेसरीज़ का पार्ट होता है, जैसे अगर आप इसका सेल्टॉस लेते हैं तो वहाँ पर आपको मड फ्लैप इंटीग्रेटेड देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, तो यहाँ पर जो आपको टायर का साइज़ मिलता है वो R16 का मिलता है। एक बार इसके डायमेंशन को देखिए, 215/60 का राइडल मिल जाता है। एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 215/60 R16 का आपको यहाँ पे टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाता है। और यहीं पे आप देखें तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील प्रोवाइड किया था, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में, क्रिस्टल कट अलॉय व्हील है। और उससे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको व्हील बेस जो मिलता है वो काफ़ी बड़ा व्हील बेस मिल जाता है, जिससे कि लेग रूम बहुत अच्छा प्रोवाइड होता है आपको गाड़ी में।
अगर बात करें इसके व्हील बेस की, तो यहाँ पर जो आपको व्हील बेस मिलता है वो लगभग आपको 2500 एम का व्हील बेस मिल जाता है, 2498 एम का व्हील बेस मिलता है, क्योंकि आप 2500 में काउंट कर सकते हैं इसको आराम से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ORVM जो मिलता है वो डुअल टोन में मिलता है, जो कि आपको बॉडी कलर जो होती है और उसके साथ मैट फिनिश दिया जाता है। और यहीं पे आप देखें तो टर्निंग इंडिकेटर आपको इंटीग्रेटेड मिलने वाला है ORVM में। और यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जो कि एसेसरीज का पार्ट नहीं है, जो कि इंटीग्रेटेड आती है गाड़ी में। और यहीं पे आप डोर मोल्डिंग वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि छोटे मोटे इंपैक्ट से आपकी गाड़ी को बचाती है। साथ ही में यहाँ पे आपको डुअल टोन में रूफ रेल मिल जाता है, जो कि सिल्वर फिनिश एंड ब्लैक फिनिश के साथ आता है, जो कि आपको सिल्वर का कॉम्बिनेशन एंड ब्लैक मैट का कॉम्बिनेशन मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे फ्यूल टैंक जो आपको मिलता है वो 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप एक बार इसको रिफ्यूल करवा के आराम से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं हैसल फ्री। अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, तो रियर प्रोफाइल में आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी होती है नॉर्मल पोल एंटीना के मुकाबले। और यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई स्पॉयलर्स वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप एसेसरीज के तौर पर आप इसमें फिट करवा सकते हैं। और यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉपर मिलता है, वॉशर और वाइपर का कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है। साथ ही में यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है, जो कि आप मॉइस्चर को डिफॉग करके हटा सकते हैं, जो कि ठंड के टाइम में आपके रियर विंडशील्ड एंड फ्रंट विंडशील्ड दोनों पे आपको मॉइस्चर जम जाती है। बात करेंगे इसके लाइट की, तो यहाँ पे आपको LED में लाइट मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत शेप में दिया गया, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही होगी देखने में ये चीज़। और यहीं पे आप देखें तो यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है देखने के लिए, जो कि पार्किंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। और यहीं पे आपको डायनामिक कैमरा, जो कि रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो डायनामिक गाइडलाइन के साथ मिलता है, जो कि आप जैसे स्टेयरिंग मूव करते हैं वैसे ही वैसे वो गाइडलाइन मूव करती है और वो आपको इंडिकेट करती है कि आपकी गाड़ी यहाँ पर जाके रुकेगी। तो चलते हैं अब आगे, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किया का नेक्स्ट जनरेशन लोगो मिल जाता है, सोनेट की बैचिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और जस्ट उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है दोनों जगह, और 4 पार्किंग सेंसर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मिल जाता है आपको देखने के लिए। और बात करें इसके स्किड प्लेट की, तो डुअल टोन मफलर डिज़ाइन में आपको स्किड प्लेट मिलता है, जो कि ब्लैक मैट फिनिश एंड सिल्वर फिनिश के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है गाड़ी को ये चीज़। और यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट्स भी दी गई है, जो कि आप बूट ओपनिंग के लिए आपको पता चल जाए कि कहाँ पे इसका बटन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बूट स्पेस ऑफर किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं बूट स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, एनफ इतना, जो कि आपको बूट लैम्प इंटीग्रेटेड मिलता है, देख सकते हैं आप वहाँ पे हैलोजन बेस में बूट लैम्प आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात करें इसके बूट कैपेसिटी की, तो यहाँ पे जो आपको बूट कैपेसिटी मिलता है वो 392 लीटर का बूट कैपेसिटी मिलता है, जो कि आप आराम से 3-4 ट्रॉली लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आप देखें तो पार्सल ट्रे भी आपको दिया जाता है, जो कि आप एक तरह से बोल सकते हैं डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली 4-5 केजी का भी सामान इस पर रख सकते हैं, इस पर कोई असर नहीं आने वाला है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको किसी भी पैनिक सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो यहाँ से आप की से स्लाइड करके या फिर कॉइन से स्लाइड करके आप बाहर आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, जो कि आप बूट को बंद कर सकते हैं। तो ये थी इसकी कुछ रियर प्रोफाइल, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो स्टार्ट करेंगे इसके पैसेंजर साइड से, तो यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल जो कि आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। तो आप इसके एक बार डोर पे देखिए, यहाँ पे आपको डोर पे सनशेड कर्टन मिल जाता है देखने के लिए, जो कि आपको धूप से बचाता है, प्राइवेसी भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश में, जो कि आपको मैट फिनिश बोल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज़ देख रहे होंगे तो ये आपको डोर हैंडल सिल्वर फिनिश में मिलता है। और यहीं पर सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि वाइट स्टिचिंग के साथ आती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है गाड़ी को ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी को 4 चांद लगाती है। और यहाँ पे पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, वाटर बॉटल रखने के लिए यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं। तो अब जैसे आप इंट्रेंस करते हैं तो यहाँ पे आपको स्कफ प्लेट वगैरह ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। साथ ही में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फैब्रिकेटेड सीट मिलता है, फैब्रिक प्लस लेदर है, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। साथ ही में बात करें हेडरेस्ट की, तो यहाँ पे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। एक बारी मैं इसका रूम लैम्प जलाता हूँ, सब चेक कीजिए। यहाँ पे तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आइसोफिक्स सीट मिलता है, जो कि 3.8 LR सीट बेल्ट के साथ आती है। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको लेग स्पेस मिलने वाला है। आप आराम से, मेरी हाइट लगभग 5'8" है, तो मैं यहाँ पे एकदम आराम से बैठा हुआ हूँ। और यहीं पे आप देखेंगे तो रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यूएसबी में फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, मोबाइल रखने के लिए या फिर वॉलेट रखने के लिए यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड में सीट के पीछे पॉकेट नहीं मिलता ड्राइवर साइड में, बट को ड्राइवर साइड में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। और यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेलोजन बेस में आपको रूम लैम्प मिल जाता है देखने के लिए, जो कि आप कॉमिक्स वगैरह या फिर मैगजीन वगैरह रीड करने के लिए काम आ सकती है आपके। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों साइड में, जो कि आप यहाँ पे कोट हैंगर के साथ आता है ये चीज़। तो ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी फीचर्स इसमें दी गई है, दोनों साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है देखने के लिए। तो ये था इसका कुछ पैसेंजर साइड, तो अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है, जो कि जस्ट आप इस बटन को प्रेस करके गाड़ी को लॉक और अनलॉक दोनों कर सकते हैं। ड्राइवर साइड डोर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, विंडो लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं, और यहीं पे से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट जो भी एडजस्ट करना हो वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर साइड में वन टच अप एंड डाउन विंडो का ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट मिल जाता है देखने के लिए यहाँ पे। और यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अम्ब्रेला स्टोरेज दिया गया है, वाटर बॉटल के लिए स्टोरेज दिया गया है। तो अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड में, तो ड्राइवर साइड में देखते हैं क्या क्या अंदर इंटीरियर में फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब देखेंगे इसके सीट को, तो यहाँ पे जो आपको सीट्स मिलती है वो आपको नॉर्मल ही सीट्स मिलती है, फैब्रिक प्लस लेदरेट का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक सीट नहीं दी गई है यहाँ पे, आपको नॉर्मली आप यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन डिक्लाइन इससे कर सकते हैं, और यहाँ नीचे से इसको सीट को आगे पीछे यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब इसके इंटीरियर में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डीकट स्टीयरिंग मिल जाती है जो कि लेदर रैप्ड है, और यहाँ पे आपको ब्लैक स्टिचिंग के साथ मिलती है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, टायर प्रेशर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ट्रिप कंट्रोल भी, जो कि आप ट्रिप कंट्रोल आप जैसे कि चलते हैं तो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं आप कितने किलोमीटर ट्रैवल किए हैं। और यहाँ पे आप वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, मोड मतलब FM से डायरेक्ट मीडिया पे जाने के लिए, ब्लूटूथ पे जाने के लिए यहाँ पे आप बटन दिए गए हैं, वॉल्यूम रेज एंड डाउन करने के लिए बटन मिल जाता है, सॉन्ग चेंज करने के लिए बटन मिल जाता है, और यहाँ से FM का जो आप स्टेशन जो है आपको वो फेवरेट लगता है तो यहाँ से आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं उसको, और यहीं पर आपको कॉल आंसर करने के लिए भी बटन दिया गया है। साथ ही में देखेंगे तो यहाँ पर पुश बटन का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और यहाँ पर ट्रैक्शन का बटन दिया गया, ISG का ऑप्शन मिल जाता है जो कि इसका आइडल स्टॉप एंड गो ऑप्शन ये है, जिसमें कि आप मान लिया किसी भी ट्रैफिक में आप खड़े होते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे आप ब्रेक पैडल पे पैर रखते हैं या फिर एक्सेलेटर पे पैर रखते हैं गाड़ी वापस से इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी कम होगा। और यहाँ पर आप देखें तो AC वेंट्स मिल जाते हैं जो कि सिल्वर फिनिश में डायमंड लिंक पैटर्न के साथ आती है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये चीज़ देखने में, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जितनी भी AC वेंट्स मिलेगी डायमंड लिंक पैटर्न के साथ ही मिलेगी। तो बात करते हैं इसके क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का क्लस्टर मिलता है जो कि फुली डिजिटल नहीं है, जो कि आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मिलता है देखने के लिए, आप एक बार इसको चेक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये था इस तरह का कुछ इसका क्लस्टर है। और यहीं पे आप देखेंगे तो ये रहा इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो कि 8.25 इंचेस का है, बट यहाँ पे आपको आर्कमीज़ का साउंड सिस्टम मिल जाता है जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है, मतलब आपको 14 से 15 लाख की गाड़ी में आपको ये सारे फीचर्स आपको नहीं मिलने वाली है, बट की आपको प्रोवाइड करता है सोनेट में। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑटो क्लाइमेट AC मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से हजार्ड लाइट भी ऑन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ये टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता है इसका AC। तो अगर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, वो आपको सिर्फ मिलेगा टॉप एंड वेरिएंट में, GTX प्लस में या फिर STX प्लस में या फिर X लाइन में। 12 वोल्ट के सॉकेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे USB को एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए यहाँ पे आपको USB केबल के लिए जगह दी गई है, और यहीं पे आप USB फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए। बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको गियर शिफ्टर मिलता है, IMT ट्रांसमिशन है। तो अगर बात करिए कैसे काम करती है तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो ये काम करती है IMT ट्रांसमिशन वो कुछ इस तरह से काम करती है कि अगर मान लिया आप इसमें लगा होता है TCU और जो कि कनेक्टेड होता है एक मॉनिटर से, और इसी में इंटेंशन सेंसर लगा होता है, जैसे ही आप इस हाथ रखते हैं इस गियर नॉब पे तो वैसे ही इंटेंशन सेंसर जो है वो काम करने लगता है और क्लच को एक्चुएट करता है और इसमें गियर इंगेज और डिसिनेशन में इसकी हेल्प करता है।
इंटेंशन सेंसर ही का सारा काम होता है यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं IRVM मिल जाता है, जो कि आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक नहीं, नॉर्मल IRVM ही मिलता है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों साइड में लाइट मिल जाती है, हैलोजन लाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसकी रोशनी है। आप देख सकते हैं एक बार, काफ़ी ज़्यादा रोशनी है इसमें। और यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सनरूफ खोलने के लिए, मतलब सनरूफ भी प्रोवाइड किया जाता है, वन टच सनरूफ है, यहाँ पर वन टच सनरूफ मिल जाता है आपको। सन वाइजर्स मिल जाते हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड में, जो कि आपको को ड्राइवर साइड में जो आता है वो वैनिटी मीटर के साथ आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहीं पे आप देखेंगे तो बोतल रखने के लिए स्पेस दिया गया है। और साथ ही में यहाँ पे देखेंगे तो आमरेस जो मिलता है वो लेदर टच में मिलता है, और साथ ही में यहाँ पे आपको जगह भी थोड़ी सी प्रोवाइड की गई है, जो कि आप इसमें छोटा मोटा सामान इसमें रख के ट्रैवल कर सकते हैं अपना आराम से। ये चीज़ आपको टाटा वगैरह में ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी, नेक्सॉन हो गई या फिर उसकी जो भी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जा रही है उसमें ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको। तो ये सारे फीचर्स थे। और बात करें इससे सेफ्टी की, तो यहाँ पे जो आपको सेफ्टी मिलता है वो मिलता है 4 एयरबैग्स मिलता है, 3-स्टार गाड़ी है, और यहाँ पे आपको 4 एयरबैग्स के साथ साथ ABS EBD वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। और बात करें इसके ब्रेकिंग की, तो यहाँ पे आपको डिस्क एंड ड्रम का ब्रेकिंग मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क मिलता है और रियर में ड्रम आता है इसमें, तो ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ट्रैक्शन वगैरह आपको दिया गया है इसमें। सो गाइज, यहाँ पे जो आपको पावर मिलता है वो 120 PS का पावर मिलता है, और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला, जो कि 1000 CC के इंजन में इनफ आपको ये प्रोवाइड करती है। तो अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर से शेयर करें उनके साथ।